पहले तो बताइए आपको पुलिस दिवस की शानदार कार्यक्रम हुआ है, क्या क्या कार्यक्रम हुआ है, क्यों उसको सम्मानित किया? आज पुलिस दिवस, पुलिस स्थापना दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये एक पुलिस दिवस ही नहीं, हमने इसको पुलिस सप्ताह के तौर पे सेलिब्रेट किया है। इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण एलिमेंट हमने स्वच्छता का रखा है। हमने सभी आज के सभी पुलिस स्थापना दिवस परेड और सभी सेवा चिन्ह वितरण समारोह में पधारे हुए सभी चौकियां, समस्त मीडिया बंधुओं का हृदय से बहुत बहुत आभार। सभी थाने, सभी चौकियां, सभी कार्यालय, समस्त हमारी पुलिस लाइन, इसको हमने स्वच्छ, इसको हमने चमकाने की का प्रयास किया है। इसमें से पुराना गार्बेज वो सब निकाला है, ये सोचते हुए कि हम अपने जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम कार्य करते हैं, अगर वहाँ पे हम सफाई रखेंगे तो हमारे मन में भी सफाई रहेगी, हमारे मन से भी कचरा निकलेगा। तो वो एक हमने हफ्ते भर का प्रोग्राम चलाया था। साथ ही हमने पूर्व संध्या पर कल शाम को पुलिस के जवानों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पुलिस के जवानों ने और ऑफिसर्स ने बढ़ चढ़ के स्वयं हिस्सा लिया। साथ ही साथ बाहर से माने हुए जो कलाकार हैं उनको भी हमने शामिल किया। एक बहुत अच्छी शाम गुजारने के बाद सभी जवानों के साथ सीनियर अधिकारियों ने, जिसमें महानिरीक्षक पुलिस रेंज श्री सचिन मित्तल साहब भी शामिल थे, उनके सबके साथ हमने एक साथ खाना खाया, बड़ा खाना आयोजन किया था। और आज सुबह ये परेड है, आपने इसमें परेड में, पुलिस दिवस परेड में हमने जो हमारे जो अचीवर्स हैं पुलिस के, जिनको सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह और उत्तम सेवा चिन्ह का प्रदान किया गया। सर्वोत्तम सेवा चिन्ह के लिए हमारे यहाँ पे परेड में सीनियर मोस्ट ऑफिसर द्वारा ये सेवा चिन्ह दिया। ये एक सेलिब्रेशन है, ये एक उनकी हमारी तरफ से शुक्रिया अदा है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन इस बड़ी मेहनत से, लगन से और इंटेग्रिटी से इस मकाम को पाया है और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस प्रोफेशन को दिया है, जिसकी वजह से आमजन में एक सुरक्षा और एक आत्मीयता का प्रवास हुआ है। और ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, हम इसको आगे भी बढ़ चढ़ के मनाएंगे। मुझे उम्मीद है, देखिए हर चीज़ का एक थोड़ा इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट आने में 2-4, 5 महीने, 6 महीने लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब हम नेक्स्ट टाइम ऐसे मिलेंगे तो हमारे जितने भी नवाचार हैं उनसे एक बड़ी पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक एक धारा जो है वो उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो उम्मीद तो यही है।